हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। फिर से एक बार स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल एमएल सिंधी पर। आई नो मैं काफ़ी दिनों बाद, लगभग 1.5 महीने बाद फिर से आप लोगों के सामने आ गई हूँ। और काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि मैं ठीक तो हूँ कि नहीं, तबीयत ठीक है कि नहीं, कहाँ गायब हो गई हूँ। तो मैं बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा सा जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, जिस वजह से वीडियो में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई और वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं फिर हाजिर हूँ आप लोग के फेवरेट टॉपिक पर वीडियो लेकर। जी हाँ, आज मैं फिर बताने वाली हूँ साउथ के टॉप 8 बहुत ही बेहतरीन सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर फिल्में, जो कि हिंदी में डब है और ज़्यादातर फिल्में यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। कुछ ऐसी फिल्में भी है जो अदर OTT प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, वो भी आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगी वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे काउंटर के नंबर 8 पर आती है साल 2023 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की हॉरर थ्रिलर फिल्म स्ट्राइकर, जिसको IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। वहीं 60% के यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक की है। इस फिल्म की कहानी पैरासाइकोलॉजी के स्टूडेंट जोशी और एक यूट्यूबर प्रिया के इर्द गिर्द घूमती है, जो ओजा बोर्ड का यूज करके क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। अगर आपको हॉरर मूवीज देखना पसंद है, इसे एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। ये फिल्म रिसेंटली हिंदी डब में सेम नाम से हिंदी डब मूवीज के यूट्यूब चैनल पर ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है। काउंटर के नंबर 7 पर आती है साल 2020 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की क्राइम सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म रंगा, जिसको IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। बात करें इस फिल्म के स्टोरी लाइन के बारे में, तो मूवी की कहानी में आदित्य और अभिनया रिसेंटली न्यूली शादी करके हनीमून के लिए मनाली जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वहां पर उनके प्राइवेट मोमेंट्स को कोई रिकॉर्ड करके ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं। अब आगे वो लोग क्या करेंगे और उस जगह पर वो जाने के बाद कैसे वहां पर फंस जाते हैं, कैसे वो लोग अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। फिल्म अच्छी है, एक बार जरूर एंजॉय कर सकते हैं। और ये फिल्म भी हिंदी डब में सेम नाम से DRJ रिकॉर्ड्स JNY नाम के एक यूट्यूब चैनल पर ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है। काउंटर के नंबर 6 पर आती है 2022 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म डायरेक्टर, जिसको IMDb की तरफ से 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। लेकिन मेरे हिसाब से रेटिंग थोड़ा सा ओवररेटेड है। मेरे हिसाब से इस फिल्म को 6 के आसपास रेटिंग मिलनी चाहिए थी। एनीवेज, इस फिल्म के कहानी के बारे में बोलने जाऊँ तो फिल्म की कहानी में डी एक फिल्म डायरेक्टर है जो कि एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। उस एक्सीडेंट के बाद उसके साथ क्या क्या होता है, उसके पास ऐसा क्या रहस्यमय सिचुएशन खड़ी हो जाती है, जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। फिल्म भी अच्छी खासी है, एक बार ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। और ये फिल्म भी हिंदी डब में सेम नाम से ही सुर मूवीज एक्सक्लूसिव के यूट्यूब चैनल पर ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है। काउंटर के नंबर 5 पर आती है 2022 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक और बेहतरीन सस्पेंस क्राइम थ्रिलर फिल्म मुखचित्रम, जिसको IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। बात करें इस फिल्म के स्टोरी लाइन के बारे में, तो इस फिल्म की शुरुआत राजकुमार, माया फर्नांडिस और महती के बीच लव ट्रायंगल से होती है। राजकुमार एक जाना माना प्लास्टिक सर्जन है जिसकी ज़िंदगी एक बहुत ही बड़ा और अजीब मोड़ ले लेती है। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। ये भी एक बेहतरीन फिल्म है, एक बार ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। हिंदी डब में सेम नाम से श्री बालाजी हिंदी मूवीज के यूट्यूब चैनल पर ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है। काउंटर के नंबर 4 पर आती है 2024 में रिलीज हुई कन्नड़ा लैंग्वेज की एक बेहतरीन हेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म जुगलबंदी, जिसको IMDb की तरफ से 9.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। लेकिन ये भी रेटिंग थोड़ा सा ओवररेटेड है। मेरे हिसाब से इस फिल्म को 6.5 के आसपास रेटिंग मिलनी चाहिए थी। और बात करें इस फिल्म के स्टोरी के बारे में, तो इस फिल्म की कहानी एक अनोखी और कीमती क्रिस्टल के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पाने के लिए कई लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर वो क्रिस्टल ऐसा था क्या उस क्रिस्टल में, और आगे वो किसको मिलते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। ये भी एक अच्छी खासी फिल्म है। अगर आपको हेस्ट मूवीज देखना पसंद है रॉबरी पर बनी हुई, तो इस फिल्म को एक बार जरूर देख सकते हैं। और ये फिल्म भी हिंदी डब में सेम नाम से ईगल होम एंटरटेनमेंट्स के यूट्यूब चैनल पर ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है। काउंटर का नंबर 3 पर आती है 2024 यानी कि इसी साल रिलीज हुई मराठी लैंग्वेज की बहुत ही बेहतरीन साइको सीरियल किलर पर बनी वेब सीरीज
मनवत मर्डर्स। जी हाँ, इस वेब सीरीज को आईएमडीबी की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है और इस वेब सीरीज में कुल मिलाकर 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड लगभग 35 से 40 मिनट के इर्द गिर्द घूमती है। बात करें इस सीरीज के स्टोरी लाइन के बारे में तो ये कहानी रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित है। जी हाँ, साल 1972 में मनवत में 7 महिलाओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। जब ये मामला स्थानीय पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन गया तो स्पेशल क्राइम ब्रांच ऑफिसर रमाकांत कुलकर्णी ने अंधेरे रहस्यों में छिपे हुए उद्देश्य को उजागर करने के लिए कदम उठाया था। अब आगे इस कहानी में क्या होता है, कौन था वो किलर, साइको सीरियल किलर, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी। और गुड न्यूज है, ये वेब सीरीज हिंदी डब में सेम नाम से ही सोनी लीव ऐप पर अवेलेबल हो चुकी है। जी हाँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है जल्द से जल्द एंजॉय कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज है। काउंटर के नंबर 2 पर आती है साल 2024 यानी किसी साल रिलीज हुई मलयालम लैंग्वेज की एक बहुत बहुत बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थलावन, जिसको आईएमडीबी की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। वही 95% के यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक की है। और बात करें इस फिल्म के स्टोरी लाइन के बारे में तो ये फिल्म पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में है जहां पर एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड केस की इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। अब इस केस में बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस और थ्रिल को बैलेंस तरीके से दिखाया गया है और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस केस को सुलझाया जाता है, आगे कहानी में क्या क्या रहस्य सामने आता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। फिल्म बहुत बेहतरीन है, शुरू से लेकर एंड तक आप लोगों को ये फिल्म बांध कर रखती है। तो अगर आपने इस फिल्म को अब तक नहीं देखा है जल्द से जल्द एंजॉय कीजिए। ये फिल्म भी हिंदी डब में नाम से ही सोनी लीव ऐप पर अवेलेबल हो चुकी है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी के अभी एंजॉय कर लीजिए। तो फाइनली हमारे काउंटर के नंबर 1 पर आती है साल 2024 यानी कि इसी साल एकदम रिसेंटली रिलीज हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म लेवल क्रॉस, जिसको आईएमडीबी की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। वही 86% के यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक की है। ये एक मलयालम लैंग्वेज की फिल्म है लेकिन सेम नाम से ही हिंदी डब में ये फिल्म अवेलेबल हो चुकी है। बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो फिल्म की कहानी रेलवे क्रॉसमैन रघु पर आधारित है जो अकेले रहता है। एक दिन एक महिला प्रत्याशित रूप से उसके जीवन में प्रवेश करती है और उसके बाद उसके जीवन में घटित होने वाली अजीबोगरीब परिस्थितियों की कहानी आपको इस फिल्म में देखने को मिल जाएगी। फिल्म का दमदार निर्देशन, थ्रिलिंग मोड़ और चौंका देने वाले क्लाइमैक्स आपको फिल्म में देखे गए हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी। अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों के फैन हैं तो लेवल क्रॉस आप लोगों के लिए एक मस्ट वॉच मूवी है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। रिसेंटली कल ही ये फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी डब में अन्य लैंग्वेज के साथ साथ ही हिंदी डब में भी अवेलेबल हो चुकी है, तो देर ना करते हुए जल्द से जल्द एंजॉय कर लीजिए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।